हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज पड़ रहा है सूर्य ग्रहण। तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद ऐसा क्या करना चाहिए ताकि आपके घर में सुख और धन धान्य की कमी ना हो। तो ऐसी ही कुछ नौ खास बातें हम आपको बताने जा रहे हैं जिसको जानकर आपको बेहद खुशी होगी। आज साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है, तो आइए जानते हैं ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए। बात करते हैं पहली, ग्रहण से पहले और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना चाहिए। दूसरी बात, पवित्र नदियों और संगमों में स्नान करना चाहिए। तीसरी बात, ग्रहण खत्म होने के बाद मंदिर और घरों की सफाई करनी चाहिए। चौथी बात, साथ ही भगवान के वस्त्र और आदि की भी सफाई ग्रहण के बाद करनी चाहिए और नए वस्त्र भगवान को पहनाने चाहिए। पांचवी बात, ईश्वर की आराधना करनी चाहिए ग्रहण समाप्त होने के बाद। छठी बात, ग्रहण के बाद गायों को घास खिलानी चाहिए, साथ ही पक्षियों को अन्न और जरूरतमंदों को वस्त्रदान से अनेक गुना पुण्य मिलता है ग्रहण के बाद में। तो भाइयों, धर्म करना चाहिए ग्रहण के बाद। सातवीं बात, ग्रहण के उपरांत गरीबों को भी दान करना चाहिए। आठवीं बात, मान्यता अनुसार गर्भवती स्त्रियों को भी ग्रहण के बाद स्नान करना चाहिए। ऐसा नहीं करने से शिशु को त्वचा संबंधी परेशानियाँ आ सकती है, तो सभी गर्भवती महिलाएँ ग्रहण के बाद स्नान जरूर करें। नवीं बात, मान्यता है कि सामान्य दिन से ग्रहण में किया गया दान और पुण्य कर्म 1,00,000 गुना और सूर्य ग्रहण में 10,00,000 गुना फलदायी होता है। यदि गंगा जल पास में हो तो चंद्र ग्रहण में 1,00,000,000 गुना और सूर्य ग्रहण में 10,00,000,000 गुना फलदायी होता है। तो दोस्तों, ग्रहण के तुरंत बाद दान जरूर करें। बोलते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी और भगवान जितना आप दान करते हैं उसका 10,00,000 गुना आपको देगा। तो दोस्तों, दूसरे दिन आप जरूर दान करें और गाय को चारा जरूर डालें। तो दोस्तों, ये थी वो नौ खास बातें जो आपको ग्रहण के दौरान करनी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने यार दोस्त रिश्तेदारों के पास, ताकि वो भी इन नौ बातों का ध्यान रखें और उनके घर में भी कभी धन धान्य की कमी नहीं आए। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ग्रहण के बाद आपको कोई खुशखबरी मिले तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर कमेंट कर देना, ताकि आने वाले वक्त में आपको खुशखबरी सुनने को जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।